गाइज वेलकम टू माई चैनल, मैं काजल कुकिंग। आज मैं सबके लिए नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं अंडे वाले पनीर की सब्जी। तो देख सकते हैं किस तरह से अंडे के पनीर की सब्जी बन चुकी है। अगर आपको भी इस तरह से अंडे के पनीर की सब्जी की बनाना है और इस तरह से बनाकर खाना है तो मेरे वीडियो को पूरा देखिए, हम किस तरह से बनाते हैं अंडे वाली पनीर की सब्जी। तो चलिए देख ले रहे हम, मैं रेसिपी को पूरा देखिएगा किस तरह से हम बनाते हैं। पनीर के जैसे अंडे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इधर बॉल में 6 अंडे तोड़ लिए हैं। अब इसमें हम इसके स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसे हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब इसे हम अच्छे तरीके से मिला लिए हैं। अब इसे हम किसी दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो देख सकते हैं एक बॉल में मैंने तेल लगा लिया है और जो अंडे को मैंने मिक्स किया है उसे हम इसमें डाल देंगे। इसे हम इसमें डाल दिए हैं। अब इसे हम तो देख सकते हैं मैंने कढ़ाई में पानी उबलने के लिए रख दिया है। ये उबल भी चुका है अच्छे तरीके से। अब इस बॉल को हम इसमें डाल देंगे। अब इसे हम अच्छी तरीके से इसे उबलने देंगे। हम इसे इस तरह से इसमें पकने देंगे और इसे हम ढक देंगे। इसे हम 5 मिनट के बाद देखेंगे। आप चाहे तो माइक्रोवेव में भी अंडे को इस तरह से पका सकते हैं। तब इसे हम 5 मिनट बाद देखेंगे। तो 5 मिनट हो चुका है। अब इसे हम ढकने को खोल कर देख लेंगे। तो देखिए अंडे अच्छी तरीके से हो चुके हैं। अब हम गैस को कर देंगे बंद। अब इसे हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको हम दिखाएंगे। तो देख सकते हैं ये ठंडा हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। देख सकते हैं निकल गया अच्छी तरीके से। अब इसे हम पीस पीस में काट लेंगे। आप छोटे बड़े आप अपने सर पीस काट लीजिएगा। इसे हम इस तरीके से काट ले रहे सारे पीसेस को। तो देख सकते हैं सारे पीसेस को मैंने काट लिया है। कितने अच्छे से अंदर से बन चुके हैं देख सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से हो चुके हैं। इसे हम एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं। देखिए मैंने इसे निकाल लिया है। अब हम चल रहे हैं कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई को मैंने गैस पर चढ़ा लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे सरसों तेल। सरसों तेल डाल दिए हैं। अब तेल को हम हो जाने देंगे अच्छे तरीके से गरम। तो तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे खड़े मसाला, 1-2 इलायची, 1 लौंग, दालचीनी और जीरे, और इसमें एक हम तेज़पत्ता भी डाल देंगे। अब इसे हम अच्छी तरीके से फ्राई हो जाने देंगे। ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 पीसी हुई प्याज। तो प्याज को मैंने मिक्सर कर लिया है, 1 बड़ा सा प्याज काटा था। अब इसे हम इसमें डाल देंगे। अब इसे हम 1 मिनट तक फ्राई होने देंगे। ज़्यादा फ्राई करेंगे नहीं, 1 मिनट तक ही फ्राई करेंगे और इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। तो मैंने इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, एक मैंने भी पीस लिए से भी पीस लिया है। इसे हम डाल देंगे। अब इसे हम 1 मिनट तक और फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो गंध हो वो अच्छी तरीके से निकल जाए। तो 1 मिनट तक मैंने इसे फ्राई कर लिया है देख सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे भी सूखे मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर,
एक चम्मच जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और एक टी स्पून डाल देंगे हम इसमें काटी लाल मिर्च। अभी इन सबको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी को, एकदम थोड़ा सा। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे टमाटर प्यूरी। इस टमाटर को मैंने पीस लिया अच्छी तरीके से, इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब इसे हम फ्राई करेंगे और इसी में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो देख सकते हैं फ्राई हो चुका है, अभी तक मैंने ऐसे ही फ्राई किया था इसको। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे अभी से हम 5 मिनट तक और फ्राई करेंगे इसको अच्छी तरीके से मसाले को, ताकि मसाले का जितना भी गंध है कम निकल जाए। कच्चापन गंध जितना भी रहेगा फ्राई करने से निकल जाएगा वो, और पक जाने के बाद अच्छा फ्लेवर आएगा। इसे हम फ्राई कर ले रहे हैं। तो देखिए मसाला फ्राई हो चुका है अच्छे तरीके से, पूरे मसाला एक जगह हो चुके हैं, कढ़ाई में चिपक भी नहीं रहे। तो मसाला अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है और इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। चलो हम थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे नहीं, और इसे हम मिला लें। देखिए अभी इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। इसे हम अच्छी तरीके से मिला लिए हैं। अब इसमें आने देंगे हम एक अच्छा सा उबाल। अब इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च और देख सकते हैं उबाल अच्छा आने लगा है। इसे हम और अच्छी तरीके से उबालने देंगे। तो देख सकते हैं इसमें आ चुका है अच्छी तरीके से उबाल। इसे हम 1 मिनट तक और उबलने देंगे इसी तरीके से। तेल उबल रहा है अच्छी तरीके से। अब ये उबल चुका है अच्छी तरीके से, तब इसमें हम ये अंडे को, पनीर वाले अंडे को ऐड करेंगे। इसमें डाल दिए हैं। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसे हम इसी में डालकर उबलने देंगे, ताकि मसाला और नमक का जो फ्लेवर है इसमें वो अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब कर लें अपने अंदर, थोड़ा सा टान लें। इसलिए हम इसे हम और उबलने देंगे 1 से 2 मिनट तक। तो 1 से 2 मिनट तक मैंने इसे उबलने दिया है अच्छी तरीके से, जैसे कि ये उबल गया है। इसमें हम थोड़ा नमक चेक कर ले। थोड़ा नमक, थोड़ा ग्रेवी में थोड़ा कम लग रहा है, इसमें हम थोड़ा सा और नमक डाल दे रहे हैं।
अब इसमें हम ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। ये पैकेट वाला हम डाल रहे हैं गरम मसाला, तो हाफ चम्मच डाल दिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से धनिया पत्ता। इसे मिला ले रहे, अब गैस को कर देंगे बंद। तो आप सबको हम सर्व करके दिखा दे रहे हैं किस तरह से बना है मेरा। तो मैंने एक बॉल में सर्व कर लिया है, देखने में कितना अच्छा लगा, कलर भी अच्छा आया है। अगर आपको भी इस तरह से बनाकर खाना है तो आप भी मेरे वीडियो को पूरा देखिए हम किस तरह से बनाते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए आप तक पहुंच जाए। और जैसा भी लगाओ कमेंट करके ये बताइएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्ट लगता है, चावल के साथ या रोटी के साथ, किसी भी के साथ खा सकते हैं। तो फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।